हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एमएससी एंट्रेंस एग्जाम जूलॉजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मैमल्स। मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में पूछा है। तो मैमल्स में यदि आप देखेंगे तो उसमें फोर चैम्बर हार्ट होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होता है। नेक्स्ट है कोल्ड ब्लडेड भी गलत होता है, क्योंकि मैमल्स के केस में जो मैमल्स होते हैं वे वार्म ब्लडेड होते हैं एंड मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये ऑप्शन गलत होता है। इसका सही ऑप्शन क्या है, प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड। मैमल्स में मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका आप लोग से प्राइमरी फंक्शंस पूछा है। तो हीमोग्लोबिन देखेंगे तो चार हीम के अणु होते हैं, जिसमें कि आप लोग देखेंगे अल्फा चैन और बीटा चैन लगे होते हैं। इस चैन में क्या जुड़ा होता है, ये ऑक्सीजन के अणु को अपने साथ बाइंड कर लेता है और प्रत्येक सेल के पास क्या करता है, इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑर्गन्स इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन इन मैमल्स। स्तनधारियों में विष हरण में मुख्य रूप से कौन सा अंग शामिल होता है, तो वो लीवर होता है। इसे पिछले वीडियो में भी हमने आप लोग को ये बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी वुड यू फाइंड द आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। आइसलैंड ऑफ जो लैंगरहैंस जो होती हैं ये कहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, तो इसको भी हमने आप लोग को बताया था कि जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज में आप लोग को आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस देखने को मिलती है, जिसमें अल्फा सेल्स होते हैं और बीटा सेल्स होते हैं। अल्फा सेल्स जो होता है इसकी हार्मोन्स को सेक्रेट करता है, तो यह ग्लाइकोजन हार्मोन्स को सेक्रेट करता है, और बीटा सेल्स जो होता है ये इंसुलिन हार्मोन्स को सेक्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। इसमें से आप लोग से पूछा है कि स्केलेटन सिस्टम का फंक्शंस कौन सा नहीं है, तो सपोर्ट ये स्केलेटन सिस्टम का ही फंक्शंस होता है, प्रोटेक्शन भी स्केलेटन सिस्टम का फंक्शंस होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे ब्लड सेल प्रोटेक्शंस भी स्केलेटन सिस्टम का ही होता है, क्योंकि रेड बोन मैरो में ही क्या बनता है, ब्लड बनने का काम होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, डाइजेशन जो होता है ये स्केलेटन सिस्टम का फंक्शंस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है, तो जो आर्थ्रोपोडा होता है ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम का, और सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम क्या होता है, तो वो मोलस्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्रीज डू इकाइनोडर्म्स एग्जिबिट्स। इकाइनोडर्म में किस प्रकार के सिमेट्री होते हैं, तो इकाइनोडर्म में आप देखेंगे तो रेडियल सिमेट्री आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच हार्मोन्स रेगुलेट्स द स्लीप वेक साइकिल्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में स्लीप वेक साइकिल्स को कौन सा हार्मोन्स जो होता है वो रेगुलेट करता है, तो वो होता है मेलाटोनिन हार्मोन, जो कि किस ग्लैंड के द्वारा निकलता है, तो पीनियल ग्लैंड के द्वारा ये निकलता है, और अंधेरे में बहुत ही ज़्यादा निकलता है, इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप सोइए तो आप अंधेरे में सोइए, ताकि मेलाटोनिन हार्मोन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रेट हो सके और आपको अच्छी नींद आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज अ वायरल डिजीज। इसमें से आप लोगों से वायरल डिजीज पूछा है, तो जो इन्फ्लुएंजा होता है ये एक वायरल डिजीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग। मनुष्य का मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय की धड़कन और श्वास को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये होता है मेडुला ओब्लॉन्गेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस आप स्टेज इन द लाइफ साइकिल्स ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल्स का करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, तो बटरफ्लाई में देखेंगे तो सबसे पहले एग होता है, एग जो होता है वह लार्वा बनाता है, लार्वा से प्यूपा बनता है और प्यूपा से एडल्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड क्लासिफाइड एज। रक्त जो होता है, जो ब्लड को किस प्रकार के टिश्यू में क्लासिफाइड किया गया है, तो ब्लड जो होता है ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फीदर्स। फीदर का कैरेक्टर यानी पंखों का आपका कैरेक्टर्स पूछा है, तो किसमें देखने को मिला था, तो जो एवेज वर्ग था यानी पक्षी वर्ग जो था उसमें आप लोग को फीदर सबसे पहले देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑर्गेनल्स डज सेलुलर रेस्पायरेशंस अकर। सेलुलर रेस्पायरेशंस आपको किस ऑर्गेनल्स में देखने को मिलता है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सेलुलर रेस्पायरेशंस क्या होता है, तो देखिए इसमें जब ग्लूकोज की अणु से जब आप एटीपी का प्रोडक्शंस करते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, सेलुलर रेस्पायरेशंस कहा जाता है, तो ये आप लोग को माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट पार्ट ऑफ
ह्यूमन एक्सियल स्केल्टन, ह्यूमन एक्सियल स्केल्टन का इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है। तो आप ह्यूमन स्केल्टन एक्सियल स्केल्टन जो होता है स्केल्टन सिस्टम को जब बांटेंगे तो वो दो पार्ट में बढ़ता है, एक होता है एक्सियल स्केल्टन, दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केल्टन होता है। एक्सियल स्केल्टन की संख्या देखेंगे ये 80 होता है, एपेंडिकुलर स्केल्टन की संख्या देखेंगे तो ये 126 होता है। अब देखिए जो बीच में आप लोग को देखने को मिल रहा है एक्सिस में वो क्या होता है, वो एक्सियल स्केल्टन होता है, और जो साइड साइड आप लोग को देखने को मिल रहा है ये क्या होता है, ये एपेंडिकुलर स्केल्टन होता है। तो वहाँ पे आप देखिए इसमें ऑप्शन में आप लोग को क्या दिया गया है कि कौन सा एक्सियल स्केल्टन का पार्ट नहीं है, तो जो पैल्विक गर्डल होता है ये एक्सियल स्केल्टन का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि आप पैल्विक गर्डल को देखेंगे तो आप लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, पैल्विक गर्डल देखने को मिलता है जो कि एक एपेंडिकुलर स्केल्टन का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ द लिम्फोइड सिस्टम, लिम्फोइड सिस्टम का प्राइमरी रोल क्या होता है। तो लिम्फोइड सिस्टम का प्राइमरी रोल होता है फाइटिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए होता है। देखिए लिम्फोइड सिस्टम्स क्या होता है, तो लिम्फोइड सिस्टम में आपके लिम्फ नोड हो गया, लिम्फ वेसल्स हो गया, जैसे WBC हो गया, बोन मैरो हो गया, स्प्लीन हो गया, थाइमस हो गया, टोन्सिल हो गया, ये सभी आते हैं जो कि इम्यून सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है विच हारमोन्स इज प्रोड्यूस बाई द एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला से कौन सा हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है। तो जब आप एड्रिनल ग्लैंड को देखेंगे जो कि किडनी के ऊपर आप लोग देखेंगे कुछ इस प्रकार से आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसमें बीच में क्या होता है मेडुला पार्ट होता है और बाहर यहाँ पे क्या होता है ये सब कॉर्टेक्स का रीजन होता है। तो जब आप देखेंगे तो इसके मेडुला वाले पार्ट से दो हार्मोन्स देखने को मिलता है, एक होता है इपिनेफ्रिन और दूसरा होता है नॉरिपिनेफ्रिन। ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये फाइट और फ्लाइट में रिस्पॉन्स देता है। जैसे आप खड़े हैं तो आपको यदि कोई टच करता है तो उसको क्या होता है तुरंत आप जो रिस्पॉन्स देते हैं इन्हीं हार्मोन्स की वजह से आप देते हैं। ठीक है, या फिर आप डर रहे हैं तो उस समय भी यही हार्मोन्स आप लोग को निकलेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप यदि आप कॉर्टेक्स के रीजन में देखेंगे तो कॉर्टेक्स का रीजन भी देखेंगे तो ये तीन पार्ट में बटा होता है कॉर्टेक्स का रीजन, जिसमें कि सबसे बाहर की तरफ का जो रीजन होता है इसको कहा जाता है जोना ग्लोमेरुलेसा, जिससे कि मिनरेलोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स निकलता है। उसके अंदर के रीजन को देखेंगे तो इसको जोना फेसिकुलेटा कहा जाता है, जिससे कि ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स निकलता है। और इसके अंदर के यदि आप लेयर को देखेंगे तो इसको जोना रेटिकुलेरिस कहा जाता है और इससे एंड्रोजन नामक हार्मोन्स निकलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन, और इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन को फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सी द फंक्शंस ऑफ द स्प्लीन, स्प्लीन का फंक्शंस क्या होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा आप लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, स्प्लीन का फंक्शन क्या होता है ब्लड को फिल्टर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द इक्सोस्केलेटन्स इन आर्थ्रोपोड, जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनका जो इक्सोस्केलेटन होता है, जो बाहर के स्केलेटन आप लोग देखते हैं तो वो किससे बना होता है, तो वो काइटिन से बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट्स विदाउट द इन्वॉल्विंग ऑफ गैमेट्स, बिना गैमेट के फ्यूजन के ही यदि आपका ऑफस्प्रिंग जो होता है न्यू जनरेशन आ जाता है, ऑफस्प्रिंग हमारा बन जाता है, तो उसको उस रिप्रोडक्शन को किस टाइप का रिप्रोडक्शन कहा जाता है, तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। देखिए किस प्रकार के प्रजनन में युग्मकों की भागीदारी के बिना एकल माता पिता से संतानों का उत्पादन हो जाता है, तो वो किस में होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यदि आप देखेंगे तो इसमें मेल्स जो होता है स्पर्म और फीमेल्स ओवा दोनों आपस में जुड़ते हैं तो और जाकर के बनता है जायगोट। अब इस जायगोट से क्या होता है कि एक नया संतान की उत्पत्ति होती है। तो यदि आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिस भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।